डव और जावा अंडों में बैठी हुई है, वेट कर रहे हैं, अंडे निकल बच्चे निकलने का टाइम हो गया तो देखा डेड इंशाल्लाह हो गया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इत्यादि तदाबीर क्या, आए वीडियो देखें इंशाल्लाह तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज का टॉपिक हमारा डेड इंशाल्लाह पर है। बहुत ज़्यादा भाइयों के, दोस्तों के, बहनों के मैसेज आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, लाइक भाई डेड इंशाल्लाह हो गया, लाइक भाई ये क्या हो गया, बच्चे निकलने का टाइम हो गया, डेट हमने देखा तो देखा तो डेड इंशाल्लाह हो गया बच्चा, अंडे डेड इंशाल्लाह क्या है, डेड इंशाल्लाह जो अंडे से बच्चा नहीं निकलता, छिलका नरम हो जाता है। छिलका नरम क्यों होता है, ये मौसम की वजह से होता है। मौसम क्या है, देखें मार्च अप्रैल का महीना है तकरीबन, देखें दिन कितना ठंडा हो गया, आज रातें कितनी ठंडी हो रही हैं, दिन को धूप निकली होती है, तो ये डेड इंशल उस टाइम होता है कि मैंने जब देखो, ये अपना तजुर्बा मैं कह रहा हूँ, कोई घुमा शुमा के, कोई फिरा के, कोई इंग्लिश में या कोई इससे वैसे मुझसे बात नहीं आती, सीधी सीधी बात होती है कि अगले भाई दोस्तों को बहनों को कुछ समझ आ जाए, जो कुछ फ़ायदा हासिल हो सके इन लोगों को। तो डेड इंशल की सबसे ज़्यादा वजूहत जो है वो गर्मी सर्दी है। देखिए आपने देखा होगा गर्मी में जो है बहुत ही ज़्यादा धूप हो जाती है दोपहर के टाइम, सुबह के टाइम, शाम को देख लो सर्दी हो जाती है। हम लोगों ने क्या किया हुआ है, ज़्यादातर मैंने फैंसियर देखे हुए हैं कि उन्होंने प्लास्टिक फ्रंट से हटा दिया कि गर्मी हो गई है, तो अभी तक मैंने तो नहीं हटाया हुआ तकरीबन, हाँ एग्जॉस्ट मैंने छोड़ा हुआ है कि वेंटिलेशन आपके शेड में बहुत ज़रूरी है, एग्जॉस्ट आपके शेड में होना इतना ज़रूरी है जितना कि परिंदा अगर आपने पालना है और ब्रीड लेनी है, तो एग्जॉस्ट नहीं है तो आपका बर्ड जो है ना लाइन में, मैं कहता हूँ कि आप कामयाब नहीं हो सकते। वेंटिलेशन होनी चाहिए। वेंटिलेशन क्या है कि क्रॉसिंग, हवा की क्रॉसिंग, ये देखो मेरे इस तरह भी खिड़की है, उस तरह भी खिड़की है, हवा एक क्रॉस हो रही है, अगर ये चीज़ नहीं है तो आपकी एग्जॉस्ट होना चाहिए आपका, कि आपके अंदर जितनी भी सांस, देखो इंसान सांस लेता है, जानदार चीज़ है, ये भी सांस लेते हैं देते हैं, तो इनकी अपनी हबस होती है, और एक रूम का टेम्परेचर होता है कि वो बाहर जब गर्म हवा फेंकता है, बाहर गंदी हवा बाहर फेंकता है, जो ताज़ी हवा भी खींचता है आपके शेड में। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि धूप पड़नी चाहिए, रोशनी आनी चाहिए, कम से कम ताज़ी हवा शेड के अंदर आनी चाहिए, लेकिन गर्मियों में सर्दियों में प्लास्टिक लगाएं। जैसा कि रातें ठंडी हो गई हैं, काफ़ी दोस्तों ने, बहनों ने, भाइयों ने प्लास्टिक हटा दिए, तो मैं कहता हूँ वो सरासर गलत है। गर्मी दिन के टाइम तो ठीक है, दिन के टाइम तो आपका जो है ना शेड टेम्परेचर ठीक रहता है, रात के टाइम रातें ठंडी होती हैं, पर्स बर्ड्स जो है फूल के बैठना शुरू हो जाए, उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि बर्ड्स को सर्दी भी लग सकती है, सर्दी लगने की वजह से उसको मोशन लग जाते हैं, वो रोज़ सोकड़े में जाता है और खाना पीना छोड़ के एक्सपायर हो जाता है। तो लिहाजा इस चीज़ का भी ख्याल किया करें कि अगर रातें बहुत ज़्यादा ठंडी है तो अभी प्लास्टिक लगा रहने दें, इतनी कुछ जगह छोड़ दें कि आपके शेड का जो टेम्परेचर माहौल है वो सेट हो जाए, डायरेक्ट हवा बर्ड्स को नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपका आउटडोर है या इनडोर है, कोई भी सेटअप है, तो आपके शेड में एग्जॉस्ट बहुत ज़रूरी है। देखें मैं तो ये कहूँगा कि और परेशानी होने वाली बात कोई नहीं है, मेरे पास भी डेड इंशल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेड इंशल हुआ है, बड़े बड़े ब्रीडरों के पास भी होता है, छोटे छोटे ब्रीडरों के पास भी होता है, तो इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं, इत्यादि तदाबीर होती है, थोड़ी सी तदाबीर की अगर देखिए, मेरा चैनल है ही आप जैसे दोस्तों बहनों के लिए कि कोई मसला आ रहा है, कोई डेड इंशल हो रहा है, कोई बीमारी आ रहा है, कोई भी मसला आ रहा और आ रहा है, देखो जो नुकसान आपके नसीब में है वो आपको होना ही होना है, आप जो मर्जी कर रहे हैं, आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, सिला अल्लाह पाक ने देना है। तो देखो जानदार चीज़ है, इसमें जान डालना निकालना अल्लाह पाक के हाथ में है, आप सिर्फ कोशिश करें, मैं बार बार कह रहा हूँ आपने कोशिश करनी है, कोशिश ये करनी है। देखें आप सिर दर्द हो रहा है या उसके जिस्म दर्द हो रहा है या बर्ड है उसको नज़ला लगा हुआ है, चीनों चीज़ें उसको हो रही हैं और आप मोशन की दवाई दे रहे हैं, गलत है, सरासर गलत है। आप बर्ड को सबसे पहले पढ़ के फूलें उसको क्यों हो रहा है, क्यों उसको मोशन लगे हुए हैं, मोशन लगे हुए हैं तो मोशन की दवाई दो, अगर नज़ला जुकाम है या कैंकर है या कोई मसला है उस मुताबिक आप दवाई देंगे तो आपका बर्ड बहुत जल्दी रिकवर होगा। क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं न्यू फैंसर, क्या करते हैं बड़े ब्रीडर को फ़ोन करता है, मेरे बर्ड को सोकड़ा हो गया है भाई फलानी दवाई दे दो, उसको मोशन लगे होते हैं हम उसको जिस्म दर्द वाली दवाई दे रहे होते हैं, जिस्म दर्द हो रहा होता है उसको हम मोशन वाली दवाई दे रहे हैं, या उसको कैंकर हुआ है तो हम उसको कोई और मेडिसिन दे रहे हैं, मैदे वाली मेडिसिन दे रहे हैं, तो ऐसे नहीं है। सबसे पहले अगर आप एक अच्छे ब्रीडर बनना चाहते हैं और एक आप अच्छी अर्निंग कमाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले बर्ड्स को जो है ना आप परखें। परखना क्या होता है कि उसको आपने देखना है, उसको कोई बीमारी लगी है या कोई मसला है तो क्यों लगी है, कैसे लगी, क्या बीमारी है, उसको देखें तो इंशाल्लाह ताला आपका बर्ड एक्सपायर भी नहीं होगा, नुकसान से भी बचेंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा और बहुत ही अच्छी ब्रीड करेगा। देखिए मैं हर मेडिसिन के लिए कहता हूँ कि मेडिसिन जो है ना ब्रीड के मुताबिक क्यों सही होती है। देखिए अगर आपका बर्ड ठीक होगा
उसको सिर दर्द नहीं होगा, जिस्म दर्द नहीं होगा, नज़ला नहीं होगा, कैंकर नहीं होगा, मैदे का मसला नहीं होगा, पेट का मसला नहीं होगा, तो वो उतनी ही अच्छी ब्रीड करेगा। अगर आपके बर्ड्स को ये मसले हैं तो वो क्या ब्रीड करेगा? तो थोड़ा सा देखें, डेड इन शेल का मसला बहुत ज़्यादा दोस्तों के पास आ रहा है, बहनों के पास आ रहा है, परेशानी को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गर्म सर्द हो रहा है ये हमारे हाथ में नहीं है। देखो अंडे से बच्चा निकलना भी अल्लाह पाक के हाथ में है, उसमें जान डालना, उससे निकालना, ये चीज़ें सरासर बातें होती हैं, शिरक में भी आ जाते हैं कि ऐसा करो वैसा करो बच जाएगा ये हो जाएगा। नहीं, हमारा ईमान होना चाहिए, हम मुसलमान हैं, जानदार चीज़ है, इसमें सिर्फ जान डालना और निकालना अल्लाह पाक के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आप कोशिश कर सकते हैं, हाँ हम कोशिश करते हैं, पूरी भरपूर कोशिश कर सकते हैं, आखिरी हद तक कोशिश कर सकते हैं कि रिकवर हो जाए, और हो जाता है, बढ़ जाता है बर्ड। तो इसलिए जैसे जैसे मेरे पास इंफॉर्मेशनें होती हैं, जो जो मेरे पास मालूमातें होती हैं, अपने दोस्तों को, बहनों को, भाइयों को मैं शेयर करता रहता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको लगता है कि यार ये चैनल कोई अच्छा है, कोई दोस्त जो है भाई है हमारा लाइक भाई हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो आप कोशिश करें अपने दोस्तों को, बहनों को, भाइयों को भी ये शेयर कर दिया करें, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ करेगा। अगर किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी होती है, मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर दिया करें, लाइक हम 0300 410 1158 पे व्हाट्सअप कर दिया, लाइक भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनाई, तो इंशाल्लाह ताला जितनी मालूमात होगी, जितना इलम होगा, मैं इंशाल्लाह ताला आप जैसे दोस्तों भाइयों को शेयर करूँगा और करता रहता हूँ। जो जो मेरे पास होती है मालूमातें होती हैं, जैसे होती हैं, कोई इतनी बड़ी खास वीडियो नहीं होती, मेरे मुताबिक नहीं होती, लेकिन आप जैसे दोस्त भाई मुझे काफ़ी दुआएं देते हैं, काफ़ी माशाल्लाह कमेंट्स भी अच्छे कमेंट्स आते हैं, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।